द क्रिएटिव मॉम्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव मॉम्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए, इस तरह की खाली बॉटल्स से कुछ DIYs। कई बार क्या होता है, इस टाइप की बॉटल्स ना हम लोग के घर में खाली होती हैं और हम क्या करते हैं, उनको फेंक दिया करते हैं। और इस टाइप की बॉटल्स जो है, देखिए, टमाटो सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया, जैसे विनेगर की बॉटल है, बड़ी साइज में, छोटी साइज में, सभी तरह की बॉटल्स जो है घर में हम लोग लाते हैं और वो खाली हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं। तो बस आज इसी से हम कुछ DIY करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल लो बजट आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बना रही हूँ उसका बजट 10 या 15 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं एक के बाद एक आपको शो दिखा रही हूं। और यहां पे मैं मेकिंग की वीडियो नहीं शो कर रही हूं, क्योंकि मैंने खुद उसको बनाया है, बनाने के बाद वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और तो मैं शेयर कर रही हूं। हाँ, लेकिन कैसे बनाया है वो मैं जरूर आपको बताऊंगी। और सारी पूरी जितने भी DIY मैं आपको दिखाऊंगी, सब आप देखिएगा, आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहला DIY मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। तो ये भी कांच की ही बॉटल है, आप देख सकते हैं आवाज़ से ही कांच की बॉटल है। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, पहले तो मैं आपको लुक दिखाती हूँ, दिखती कितनी सुंदर है, तब आपको मज़ा आएगा ना इसको देखने में कि कैसे इसका डेकोर किया है मैंने, क्या मटेरियल यूज़ किया है इसको डेकोर करने के लिए। तो चलिए, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है, किसी भी कॉर्नर पे आप इसको रख दें तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। कलर बहुत सुंदर है इसका, जो मटेरियल यूज़ किया है मैंने वो बहुत खूबसूरत है। तो इसको बनाया कैसे बेसिकली, तो कांच की बॉटल में जब भी हम कलर करते हैं ना तो बहुत कम उस पर कलर लगता है, कई बार वो छूटने सा लगता है। तो मैंने क्या किया था, कांच की बॉटल पे सबसे पहले जो नैपकिन पेपर होता है ना, वाइट कलर वाला वो कागज़ जैसा जो हम किचन में यूज़ करते हैं, तो उसको मैंने जो है तो ग्लू से उसको पहले लगा दिया है। मैंने फेविकोल यूज़ किया था तो उसको एक परत लगा दिया, और वो सूखने के बाद मैंने उस पर ब्लैक कलर का एक्रोलिक कलर किया था, है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का एक्रोलिक कलर है। उसके बाद इस तरह की देखिए शाइनिंग वाली जो फोम सीट आती है तो वो मैंने इस पे लगाया, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा निकल रहा ना, ये फोम सीट है। तो इसमें क्या किया था मैंने कि ना ग्लू वाला ही लेके आई थी मैं, स्टिक वाला करने वाला, तो उसको थोड़ी सी इस तरह के ट्रायंगल्स कटिंग कर दिया अलग अलग शेप के, और फिर उसको जब लगाया तो थोड़ा सा सेट करके लगाया कि थोड़ा सा गैप भी दिखे, ब्लैक कलर भी दिखे, इस तरह से सेट करके लगाया। और उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे, जैसे 2-3 दिन बाद, ये हल्का सा ऐसा लग रहा था कि जो कॉर्नर्स है ना ये हल्के से उठ रहे हैं कुछ इस तरह से। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने देखो आपको ध्यान से अगर आप देखोगे, ब्लैक कलर के धागे से मैंने उसको चारों तरफ से, ये देखिए इस तरह से धागे से कुछ ऐसे गोल गोल करके उसको फंसा दिया। तो धागा तो उसमें ऐसा खास नहीं दिखता, और दिखता भी है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डेकोर का अगर प्राइस की बात करो तो मुश्किल से 10 रुपये में ही बन गया होगा, लेकिन इसकी खूबसूरती दोस्तों कहीं ज़्यादा है। मतलब लोग जब मेरे घर में बैठते हैं ना तो ज़रूर पूछते हैं ये आपने कैसे बनाया है, और इसमें मेहनत भी बहुत कम लगी है। तो चलिए, अब चलते हैं दूसरे डेकोर की तरफ। अगर आपको लगता है कि मटेरियल आपके पास नहीं है तो चलिए देखते हैं, दूसरा एक डेकोर मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भी बिल्कुल बॉटल से। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी सिंपल टमाटो सॉस की ही बॉटल है। इस पर मैंने क्या किया, फैब्रिक कलर किया हुआ है, फैब्रिक कलर वो भी बिल्कुल फ्री हैंड पेंटिंग। अगर किसी को लगता है कि ना मुझसे पेंटिंग नहीं आती, मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे बना सकती हूँ इसे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ब्रश लेना है, फैब्रिक कलर्स लेना है, और बिल्कुल फ्री हैंड पेंटिंग आप अपने मन से बनाते जाइए। और लास्ट में मैंने क्या किया हुआ है, जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे ना तो उस पर मैंने मल्टी कलर कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी कलर का उठाव बहुत अच्छा आया इस पर, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब चलती हूँ किसी और, अब मैं आपको कुछ और भी डेकोर इसी से बने हुए दिखाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास सेम तरह की बॉटल छोटी और बड़ी साइज़ में ना, तो आप इस तरह का डेकोर भी बना सकते हैं। तो इसमें भी मैंने क्या किया था, एक्रोलिक कलर जो है तो ब्लैक पेंट किया हुआ है। इसमें मैंने कोई भी वो नहीं, देखिए यहाँ पे जो है ना, तो मैंने कोई भी नैपकिन पेपर यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट ही कर दिया था। 2 दिन इसमें थोड़ा टाइम लगा था सूखने में, बट ये अच्छे से सूख गया। अब इसको आप पानी से भी धो सकते हैं। इस तरह का जब भी आप डेकोर बनाएं तो मैं आपको बताती हूँ क्या आपको ध्यान रखना है। आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको जैसे लगाते हैं तो साइज इसका सही से लगाएं। दूसरी चीज़, जब इस पर पेंट करते हैं ना आप, तो कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और किस टाइप की पेंटिंग आप इस पर कर रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें ट्रेडिशनल टाइप की थोड़ी सी पेंटिंग, जो मधुबनी पेंटिंग होती है उस टाइप का कुछ लुक आ रहा है, तो कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान में रख के जब उसको साथ में लगाएंगे ना अपना, तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा ये।
इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक ये भी बॉटल क्राफ्ट ही दिखाना चाहूँगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्राफ्ट है ये। ये मुश्किल से 10 रुपए में ही बन गया होगा। बनाया कैसे है मैंने इसको, ऐसा लग रहा है ना कोई लकड़ी का बना हुआ है। तो इसको मैंने वॉल पुट्टी से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं खाली बॉटल है अंदर, पर इसमें वॉल पुट्टी लगाने के बाद जो है ना कोम्ब से मैंने इसको सीधा सीधा, या फॉक से भी आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने गोल्डन कलर कर दिया था और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हाथ से ही बस ऐसी मैंने इसको आप देख सकते हैं ब्लू कलर कर दिया हुआ है। तो जब ये रखती हूँ मैं कहीं पे भी ना, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा ही एलिगेंट, बहुत प्यारा सा एक पीस लगता है। तो सोचिए 10 से 20 रुपए, 15 रुपए में भी आप कितना सुंदर डेकोर बना सकते हैं अपने घर के लिए बस इन खाली बॉटल से। एंड दोस्तों अगर किसी को ये लगता है कि हम वो भी नहीं कर सकते, पेंटिंग कलर्स वगैरह नहीं है, तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, आपके पास जो खाली बॉटल्स है ना उसमें सिर्फ आप पानी भर दीजिए और इस तरह का मनी प्लांट्स भी लगा सकते हैं जो आपके घर को एक ब्यूटीफुल डेकोर देगा। और आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो स्टिकर्स रहते हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए। स्टिकर्स भी अगर जैसे प्लास्टिक वाले स्टिकर्स होते हैं ना जल्दी से नहीं निकलते, तो आप उनको हल्का सा हीट दे के निकाल सकते हैं। यदि कागज़ के स्टिकर्स नहीं निकल रहे तो उनको आप पानी में एक मतलब 6-7 घंटे के लिए भिगो दीजिए किसी बकेट में और फिर निकालिए तो इजीली निकल जाते हैं। तो बस आपको स्टिकर्स निकालने हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है इस तरह के बॉटल्स में जब हम प्लांट्स को लगाते हैं। और देखिए ये जैसे कि यहाँ पे ये हाँ सेजवान चटनी की बॉटल है, तो इस टाइप के बॉटल्स किसी भी टाइप के कांच के बॉटल बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। तो इसमें भी मैंने देखिए मनी प्लांट लगाया हुआ है, तो इस तरह के डेकोर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे आइडियाज़ देखने के लिए। तब फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।